परतापुर कताई मिल में चल रही काउंटिंग के दौरान शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा को लगभग 7800 वोट मिले। प्रथम वरीयता का परिणाम घोषित होने के बाद इस सीट पर पिछले लगभग 48 सालों से विजय पताका लहरा रहे ओम प्रकाश शर्मा के खेमे में मायूसी छा गई, जिसके बाद देर शाम ओम प्रकाश शर्मा और उनके समर्थक परतापुर स्थित कताई मिल से वापस लौट आए। उधर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा की जीत को तय मानते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान जीत के जश्न में डूबे भाजपाइयों ने कानून को ताक पर रखकर जमकर आतिशबाजी भी की। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर भाजपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा नहीं की गई है। इसी के साथ द्वितीय वरीयता की काउंटिंग जारी है, मगर अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले भाजपा प्रत्याशी को मिले भारी मतों के आधार पर भाजपा कार्यकर्ता इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा की जीत तय मान कर चल रहे हैं। उधर श्रीचंद शर्मा ने भी जीत के बाद एडेट और वित्त विहीन शिक्षकों से किए गए सभी वादे पूरे करने का दावा किया है। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे और सब नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मेहनत के फलस्वरूप पार्टी ने ये सीट प्रचंड बहुमत से जीती है। जहां लोग ये कयास लगा रहे थे इतने वर्षों से एक ही ग्रुप का कब्जा है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, पार्टी ने पहली बार लड़ने का तय किया और पहली ही बार में इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अभी टोटल मिलाकर लगभग 7800 वोट हमें प्राप्त हुए, जिनमें से अब सेकंड चरण की जनता अब चलने वाली है, सेकंड वरीयता की गणना अब होने वाली है। तो अभी प्रथम वरीयता में हम लगभग 4100 से अधिक वोटों से हम आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस सीट, और वो सारे भ्रम टूटे हैं जो लोगों ने बना रखे थे।